हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.3 को देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे पढ़ते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहा है। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सो यहां पे मैं बता दूं, जो इस टाइम 2022 का बैच चल रहा है, इसका जो एग्ज़ाम फिर 2023 में होगा, इस साल के लिए ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड डिलीटेड है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन नंबर 1 को ही, अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ोगे, देखो क्या कह रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 अबो बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसका मतलब हमें इसी क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स को सॉल्व करना है, लेकिन किस फॉर्मूला से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वाला इस एग्जाम के लिए इस साल डिलीटेड है। आई समझ बात, तो इसीलिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये कह रहा है इफ दे एग्जिस्ट, दैट मींस वी हैव टू फर्स्ट चेक कि क्या इसमें रूट्स है या नहीं। तो चलो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है 2x² - 7x +3 = 0। ऑलरेडी आप जानते हो कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इट इज ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0। यानी कि x² के सामने जो होता है वो a है, कोफिशियंट ऑफ x² इज a, b इज द कोफिशियंट ऑफ x एंड c इज कॉन्स्टेंट। अब इसी इक्वेशन को आप यहां पे देखो, यहां पे आपका ए का वैल्यू जो है वो ए वही होता है ना जो x² के सामने होता है, तो ए का वैल्यू आपका यहाँ पे 2 है। बी का वैल्यू वो होता है जो x के सामने हो, तो वो कितना है -7, और c अकेला नंबर होता है वो कितना है +3। सो आपको चेक करना है कि क्या इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं नहीं, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होती है जिसको हम बोलते हैं डी। डी का मतलब होता है बेटा डिस्क्रिमिनेंट। क्या मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, MINANT। और डी कैसे निकाला जाता है, वो होता है b² - 4ac, ठीक है। तो जब आप इस डी को सॉल्व करोगे तो आपको तीन वैल्यूज आ सकते हैं डी के, तो वो मैं यहां पे पहले साइड में आपको दिखाता हूं कि डी के क्या क्या वैल्यूज आ सकते हैं। कि जब हम डी निकालना चाहते हैं तो डी की फॉर्मूला है b² - 4ac। तो अगर आपका b² - 4ac करके अगर आपका वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आया, ग्रेटर देन जीरो का मतलब जीरो से ऊपर 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू अगर आया, यानी कोई भी वैल्यू जो जीरो से बड़ा आया, तो उस केस में आपके उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत सारे रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन हम क्या कहते हैं कि उस वक्त उसके होंगे रियल रूट्स, और वो रियल्स के साथ साथ होंगे डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट। यहां पे एक चीज मैं बता दूं, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिस इक्वेशन को भी हम सॉल्व करेंगे हमें मैक्सिमम दो ही रूट्स मिलेंगे। अगर आपको पॉलीनोमियल का चैप्टर याद हो, लीनियर इक्वेशन का एक ही सोल्यूशन होता है, क्वाड्रेटिक के दो सोल्यूशन होते हैं, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त हर जगह आपको दो रूट्स मिलेंगे। आई बात समझ। सो पहली कंडीशन ये है कि अगर आपका b² - 4ac का वैल्यू जीरो से बड़ा आया, तो उस वक्त आपके डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, दोनों के दोनों रूट्स डिफरेंट होंगे। इस तरह भी हो सकता है कि एक प्लस में हो दूसरा माइनस में हो, जैसे +4 और दूसरा -4 आया, या फिर अलग अलग वैल्यूज, एक 1/2 आया दूसरा 3 आया, तो उसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट या डिफरेंट। आई समझ बात। दूसरी कंडीशन ये होगी पहली कंडीशन, तो ऐसे केस में भी आपको रूट्स निकालने होते हैं जब ऐसी कंडीशन हो। दूसरी कंडीशन है अगर आपका b² - 4ac बराबर आया किसके, जीरो के, तो उस वक्त भी आपको दो रूट्स होंगे, लेकिन वो दोनों के दोनों रूट्स इक्वल होंगे, उनका वैल्यू सेम होगा। अगर एक प्लस में है तो दूसरा भी प्लस में होगा, एक माइनस में है दूसरा भी माइनस में होगा, ठीक है बेटा। और आखिरी चीज जहां पे हमें रूट्स निकालने नहीं होते, वो कब, जब हमारा
बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू जो है वो लेस देन जीरो आए, यानी जब इसका वैल्यू नेगेटिव में आए तो इस वक्त उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्या लिखेंगे हम? नो रूट्स एग्जिस्ट। ओके, सो हमें ये चेक करना है हर जगह इन क्वेश्चंस में कि क्या इनके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं इस फॉर्मूला को लगा के। और इस फॉर्मूला में जो ये बेटा डी है इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और इसकी फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि हमारे इस एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में ये जो पार्ट 1 दिया है इसकी क्या सिचुएशन है। ओके, तो देखो डी इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका बी है माइनस 7, तो बी को करना है माइनस का 7 का स्क्वायर, फिर है बेटा माइनस 4, ए है आपका 2 और सी है आपका 3। तो ये बन जाएगा डी इज इक्वल टू माइनस 7 का स्क्वायर करो तो वो प्लस बन जाएगा और 49 बन जाएगा, क्योंकि 7 7 49 और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, फिर माइनस 4 2 8 8 3 24। तो डी बेटा आपका आ जाएगा 49 से 24 माइनस करो, 9 में से 4 तो 5 एंड 4 में से 2 तो 25। तो अब आप देख रहे हो डी का जो वैल्यू हमारा आया वो 25 आया, एंड 25 इज ग्रेटर देन जीरो, राइट। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे इस सिचुएशन में दो रियल डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे बेटा। ठीक है, तो अब आपको बेटा समझना एक चीज कि जब भी हमारी किसी सिचुएशन, देखो हमारे पास तीन सिचुएशंस थी, इन तीन सिचुएशंस में रूट्स कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, एक तो इस वाली सिचुएशन में और इस वाली सिचुएशन में, इस वाले में तो रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते ना। तो अब अगर पता चला कि रूट्स है तो फिर वो निकालने कैसे है? उसके लिए बेटा यूज करनी है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि अभी तक आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते थे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, अब बेटा सॉल्व करनी है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं आपके लिए लिखता हूं यहां पे, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, यहां रखते हैं प्लस माइनस होल रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होल डिवाइडेड बाई टू ए बेटा। तो पहली बार जब आप ये फॉर्मूला लिखोगे जिस टाइम पे आपके दो डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, देखो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला लिखने के बाद आपको ऐसे लिखना है टू केसेस बीच में लाइन देनी है, एक साइड से लिखोगे फिर से यही फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी। तो आपने देखा ना मैंने यहाँ पे प्लस माइनस जोड़ा, तो आप अब यहाँ पे लगाओगे प्लस होल रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। और इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव फॉर्म यहाँ से लगाओगे एक्स इज इक्वल टू माइनस बी माइनस होल रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। ओके, तो देखो आपने क्या देखा, ये जो दो वेरियंट्स निकले ना बेटा ये दोनों इसी फॉर्मूला के हैं। कहाँ कैसे? क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस लगाया, यहाँ माइनस है तो इधर माइनस लगाया, बाकी सारा सेम। ओके, तो अब हमें पता चला इस वाले क्वेश्चन के भी रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो हमें वो इसी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालने हैं ना। तो अब आप क्या करोगे, देखो पहले आप लिखोगे एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस होल रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए बेटा। उसके बाद आप क्या करो, दो केसेस बनाओ, हाँ टू केसेस, और यहां से लिखो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस होल रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होल डिवाइडेड बाई टू ए, और यहां से रखो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी माइनस होल रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होल डिवाइडेड बाई टू ए। देखो बेटा हमने ऑलरेडी यहां बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कर दिया है, उसका वैल्यू हमें क्या मिला है 25। तो देखो आप क्या करोगे, आप एक्स इज इक्वल टू ये है फॉर्मूला का माइनस और बी खुद अपना माइनस है। ओके, तो फॉर्मूला का माइनस डाला और फिर बी का अपना माइनस 7 प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ऑलरेडी करके आपको आया है ना बेटा 25 डिवाइडेड बाई नीचे है 2a, मतलब 2 है और a का वैल्यू आप देखो क्या है, a का वैल्यू भी 2 है। ये बेटा अच्छे से समझो, देखो यहाँ पे फॉर्मूला में था माइनस बी, तो मैंने फॉर्मूला का माइनस बाहर रखा
और बी अपना माइनस था, उसको ब्रैकेट में रखा, और बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑलरेडी हमने ऊपर कर लिया था ये, और इसका वैल्यू हमें 25 मिला था, तो हम यहाँ 25 ब्रैकेट के इस स्क्वायर रूट के अंदर डाल रहे हैं, और डिवाइड में है 2a बेटा, 2a, तो 2a है 2, ठीक है। तो ये बन जाएगा बेटा, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, तो आप देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 7, फिर प्लस ये बन जाएगा ना 25, 25 बन जाएगा होल रूट ऑफ 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे बेटा है 2 टू जार, तो वो कितना होगा 4, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 7 प्लस स्क्वायर और रूट बेटा कैंसिल हो जाएगा, वहां मिलेगा 7 प्लस 5 डिवाइड बाय 4, वो बन जाएगा 12/4, और इसको कैंसिलेशन करेंगे 4 1 4 3 4, तो x बेटा कितना मिलेगा 3, मिल गया एक रूट हमें। इसी तरह हमें दूसरा वैल्यू पुट करना है इसमें, तो ये भी बन जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी अपना माइनस है, फिर माइनस होल रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इसी बेटा वो है 25 डिवाइडेड बाय 2a, ओके। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ये क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये हटाता हूँ मैं, ओके। तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू, देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, ये बन गया प्लस 7, और फिर है माइनस 25 का स्क्वायर रूट, वो 5 का स्क्वायर रूट होता है, डिवाइडेड बाय 2a, a की जगह ब्रैकेट में क्या रखे थे हम, a कितना बेटा 2, तो 2 इंटू 2, तो 2 टू 4, तो यहाँ बन जाएगा x इज इक्वल टू 7, स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसल, 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4, तो x इज इक्वल टू 7 में से 5 निकालो तो कितना बचता है 2/4, ओके, 2 1 2, 2 जा, तो x आपको मिलेगा 1/2। इसका मतलब बेटा इस फर्स्ट पार्ट के दो रूट्स मिल गए, एक रूट मिल गया आपको x 3 के बराबर, और दूसरा रूट मिल गया x 1/2 के बराबर। आई बात समझ? तो करना कैसे इन क्वेश्चंस को, सबसे पहले लिखना है a क्या है, b क्या है और c क्या है, फिर इसका d चेक करना है, डिस्क्रिमिनेंट, जब d पता चल जाएगा ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे कि कितने क्या कैसे रूट्स है, ठीक है ना, वो इन कंडीशंस के बेसिस पे, ओके। तो फिर सिर्फ इन दो केसेस में अगर रूट्स है तो फिर निकाल लें, यहाँ तो सीधे पता चल जाएगा लेस देन 0 आया तो नो रूट्स एग्जिस्ट, तो यहाँ पे हमें ग्रेटर देन 0 आया था, इसलिए हमने इस फॉर्मूला को यूज करके इसके दो केसेस बनाए, एक फॉर्मूला में यहाँ पे प्लस रखा और दूसरे फॉर्मूला में वहीं पे माइनस रखा, तो इन्हीं दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम बेटा ऐसे लिखते हैं प्लस माइनस, ओके। सो आप ऐसे दो केसेस बनाओ और फिर इस वाले को अलग से सॉल्व करो और उस वाले को अलग से सॉल्व करो, इसका रूट माइनस 3 आया, उसका रूट 1/2 आया। सो ये हमारा पार्ट 1 इस एक्सरसाइज 4.3 का सॉल्व हो गया। सो नाउ वी हैव टू सॉल्व द पार्ट सेकेंड ऑफ दिस एक्सरसाइज 4.3, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सेकेंड। देखो इधर भी क्या करोगे आप, सबसे पहले लिखोगे ए कितना है 2 है, बी कितना है एक्स के सामने कुछ नहीं है मतलब 1 है, पॉजिटिव 1 है ना, सी कितना है हमारा माइनस 4 है, तो क्या निकालोगे यहाँ पे डी, डी किसके बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी बराबर बी है आपका 1 तो होगा 1 का स्क्वायर बेटा माइनस 4, ए है आपका 2 और सी है आपका माइनस 4, तो ये बन जाएगा बेटा d इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, 4 2 8 8 4 32, तो d इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 33, ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब इस केस में भी क्या बेटा होगा, टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स, और फिर वो टू रियल डिस्टिंक्ट रूट्स कैसे निकालना है, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस होल रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a, तो फिर ऐसे ही लिखोगे यहाँ पे बेटा टू केसेस,
ठीक है, तो मैं उसको यहां पे लिखता हूं, टू केसेस टू केसेस में एक साइड से लिखोगे बेटा आप x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस होल रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होल डिवाइडेड बाई टू ए, और दूसरे साइड से लिखोगे आप x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस होल रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होल डिवाइडेड बाई टू ए। तो डालोगे आप वैल्यूज, x इज इक्वल टू माइनस बी हमारा कितना है वन, तो वो माइनस वन बन जाएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी करके आपको कितना वैल्यू आया 33, तो ब्रैकेट में 33 डाल दोगे, डिवाइडेड बाई टू, ए कितना है बेटा वो है टू, तो टू इंटू टू, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू माइनस वन प्लस होल रूट ऑफ 33 डिवाइड बाई टू टू जर फोर। अब चाहे आप ऐसे लिखो आंसर मिल गया हमें, या फिर पहले रूट वाली टर्म लिख दो अंडर रूट 33 फिर माइनस वन डिवाइड बाई फोर, सो दोनों आपके आंसर्स बन गए, ये भी बन सकता है या ये भी बन सकता है, फर्क कुछ नहीं है। इसी तरह इसमें भी x इज इक्वल टू माइनस बी है बेटा हमारा वन, तो ब्रैकेट को रखने की जरूरत नहीं है, माइनस वन माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी 33 मिला है हमें, टू ए ए है हमारा टू, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू माइनस वन, ऐसे ही रहेगा माइनस अंडर रूट 33 डिवाइडेड बाई टू टू सर फोर। तो चाहे ऐसे लिखो या फिर इसमें दोनों केसेस में तरह से माइनस ही रहेगा ये, ठीक है, तो आपको एक वैल्यू ऐसा मिलेगा या फिर ऐसा, या फिर इसको आप अगर ऐसे लिखना चाहते हो ये बन जाएगा माइनस अंडर रूट 33 माइनस वन डिवाइडेड बाई फोर। हमने कुछ नहीं किया, माइनस अंडर रूट 33 पहले लिखा फिर माइनस वन लिखा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप ये आंसर रिपोर्ट करो ये आंसर, वैल्यू सेम है, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस वन है यहाँ पे भी माइनस वन है, यहाँ पे भी माइनस 33 यहाँ पे भी माइनस अंडर रूट 33 डिवाइड बाई फोर। ओके, सो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर बन गया। ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू फर्स्ट फाइंड डी, एंड देन व्हेन यू विल फाइंड डी देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एंड दिस इज योअर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस होल रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। फिर उसके दो केसेस बनाओ, एक जगह पे प्लस रखो और दूसरी जगह पे माइनस रखो। नाउ वी आर इन द क्वेश्चन नंबर वन, थर्ड पार्ट वी हैव टू सॉल्व। सो थर्ड पार्ट से इज दैट देख, आपको रूट देख के डरना नहीं है, इसमें कुछ करना नहीं है, सेम प्रोसीजर, हियर ए इज इक्वल टू फोर, बी आपका है फोर अंडर रूट थ्री, और सी आपका है बेटा थ्री, तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो डी बराबर होता है बी है आपका फोर अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस फोर, ए है फोर और सी है आपका थ्री, तो ये बन जाएगा डी इज इक्वल, देखिए ये स्क्वायर फोर के ऊपर भी है तो बन जाएगा 16, और ये स्क्वायर रूट के ऊपर भी है, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसल, वहां बचेगा थ्री, और फिर माइनस फोर फोर जा 16 एंड 16 इंटू थ्री हो जाएगा 48, तो यहां से भी बेटा ये हो जाएगा 16 इंटू थ्री 48, 48 माइनस 48 तो डी कितना आ जाएगा जीरो। तो जब आपका डी जीरो आ गया, जब भी डी जीरो आता है तो उस वक्त क्या होता है टू इक्वल रूट्स, है ना, तो टू इक्वल रूट्स होंगे तो यहां पे आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक ही बार लिखनी पड़ेगी। सो वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस होल रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। देखो बेटा ये क्यों इस बार एक बार ही करनी है, तो जब आप एक्स इज इक्वल टू माइनस बी आपका है फोर अंडर रूट थ्री, और यहाँ है ना फॉर्मूला का माइनस, तो वो बन जाएगा माइनस फोर अंडर रूट थ्री, प्लस माइनस जब आप लगाओगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कितना आपको आया जीरो आ जाएगा, डिवाइडेड बाई टू ए, ए आपका कितना है फोर। ओके, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू, देखो ये वाली टर्म तो खत्म ही हो जाएगी ना पूरी, क्योंकि प्लस माइनस जीरो लिखने का मतलब ही नहीं है, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू माइनस फोर अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू फोर जर एट, तो फिर कैंसिलेशन करो आप, फोर वन जर फोर टू जर, तो ऊपर बचेगा x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू, तो बेटा यहाँ पे दोनों वैल्यूज माइनस अंडर रूट थ्री बाई टू ही आएंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस के बाद जो टर्म थी वो जीरो है,
तो इसीलिए दो बार लिखने का मतलब ही नहीं, क्योंकि यहां तो यहां से ही खत्म हो जाएगा ना ये, ठीक है ना, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हमारा जीरो के बराबर है। ओके सो इसलिए इस प्लस या माइनस उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज प्लस या माइनस के बाद तो जीरो ही है, तो इसलिए बची सिर्फ इतनी टर्म। तो उस टर्म को इस टर्म से डिवाइड करो आप, तो वहां पे बचेगा माइनस अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू। तो इसके दोनों रूट्स एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट थ्री डिवाइड बाई टू, दो रूट्स यहां पे भी होंगे लेकिन दोनों के दोनों सेम होंगे। इसको दो बार लिखना है, ठीक है, ओके बेटा, क्योंकि दो इक्वल रूट्स होंगे, सेम रूट्स होंगे। क्यों सेम रूट्स होंगे? क्योंकि यहां डी जीरो के बराबर आ गया। सो वी हैव नाउ द क्वेश्चन नंबर वन लास्ट पार्ट, दैट इज फोर्थ पार्ट। तो बिल्कुल इसी तरह इसको भी करना है। हियर ए इज इक्वल टू टू, बी इज इक्वल टू, एक्स से सामने कुछ नहीं है मतलब वन है, सी कितना होगा फोर, तो आपको डी निकालना है। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो डी बराबर होगा बी स्क्वायर आपका है वन का स्क्वायर माइनस फोर, ए है आपका टू, सी है आपका फोर, तो ये बन जाएगा आपका डी इज इक्वल वन का स्क्वायर वन ही रहेगा माइनस फोर टू ज़ा एट, एट फोर ज़ा थर्टी टू, तो डी इज इक्वल टू माइनस थर्टी वन। तो इस बार पहली बार सिचुएशन ऐसी मिली जहाँ पे डी का वैल्यू लेस देन ज़ीरो है, तो ये क्वेश्चन बेटा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी सिचुएशन डी लेस देन ज़ीरो हो तो उसका कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करता। सो हम क्या लिखेंगे? नो रूट्स एग्जिस्ट, क्वेश्चन ख़त्म। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर वन के चारों पार्ट्स हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गए, ठीक है। और हमने इन चारों पार्ट्स को किस मेथड से सॉल्व किया? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। एंड वंस अगेन आई एम सेइंग दिस बिकॉज फॉर द सेशन ऑफ 2023 एग्जाम द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर हैज़ गॉट डिलीटेड, सो दैट्स वाई वी नीड टू सॉल्व दीज पार्ट्स बाई विच फॉर्मूला? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।